रईज लॉड रेज लॉर्ड जय मसीह की जय मसीह की आज मैं जो लाइव सेशन पे आज इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ एक खुश खबर आया हूँ मैं एक बहुत ही ज़रूरी खुश खबर है मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी ये समय पे लाइव आए क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करेगा एक अच्छी खुश खबर परमेश्वर देगा एक बहुत ही गुड न्यूज़ आपके लिए लाया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह लाइव सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये समाचार पहुँचाए कि आप जल्दी से जल्दी लाइव सेशन में ये जो लाइव हमने चालू किया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े एक अनाउंसमेंट है एक अनाउंसमेंट के लिए मैं आज लाइव आया हूँ उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज़्यादा लोग तक यह लाइव सेशन पहुँचे कि ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों तक ये बात पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये गुड न्यूज़ पहुंचे इसके लिए मैं चाहता हूँ इसके लिए मैं कई दिनों से कह रहा था कि मैं लाइव सेशन आऊँगा एक लाइव सेशन लूंगा जहाँ पे मैं कुछ लोगों को एक अच्छा समाचार पहुँचाने का काम कर रहा हूँ एक अच्छा समाचार जो परमेश्वर आपको बोलना चाहता है जो परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहता है उसके लिए मैं आज लाइव आया हूँ तो वो खुशखबर ये है कि आने वाले 20 नवंबर 2023 मुंबई प्रार्थना उत्सव ये होने वाला है मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको आशीषित करेगा मैं खुद वहां आने वाला हूँ परमेश्वर का वचन लेके आने वाला हूँ मेरे साथ पास्टर मार्क त्रिभुवन पास्टर एंथोनी राज और पास्टर जोसेफ राज ये तीनों परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए ये आने वाले हैं हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति आराधना और मैं खुद परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर आपको कहना चाहता है जो परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहता है जो परमेश्वर अपने आपसे बोलने वाला है वचनों के अनुसार वचनों के आधारित ये कारण के वजह से ये गुड न्यूज कि आने वाले 20 नवंबर को प्रार्थना उत्सव मुंबई प्रार्थना उत्सव कालिदास ऑडिटोरियम मुलुंड वेस्ट यहाँ पर होने वाला है मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको सबको आशीषित करेगा परमेश्वर के वचनानुसार जो हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले हैं उसका नाम ऊंचा करने वाले हैं जो वचनों के द्वारा हम परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है क्या कहने वाला है उस दिन उसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ जो मुंबई व्यूवर्स है जो अभी ये सेशन में लाइव सेशन में ज्वाइन हुए है स्पेशली जो मुंबई व्यूवर्स है जो मुंबई के लोग आज ये सेशन में जुड़े हुए हैं मैं उन सबको आमंत्रित करता हूँ महाराष्ट्र के हर एक शहर से मैं सबको आमंत्रित करता हूँ जो परमेश्वर ने अहमदनगर में पिछले महीने जो कार्य किया बहुत सारे लोगों को चंगाई मिली बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन वचन अनुसार लोगों को चंगाई मिली बस बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का अनुभव किया परमेश्वर का अनुभव लिया उसी तरह परमेश्वर ये मुंबई प्रार्थना उत्सव में भी कार्य करेगा जहाँ पर परमेश्वर का वचन है जहाँ पर परमेश्वर की स्तुति आराधना है वहाँ पर परमेश्वर कार्य करता है सौ प्रतिशत काम करता है इसके लिए मैं आज ये लाइव सेशन आया हूँ कि आपके 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 पास ये गुड न्यूज पहुँचा सकूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचनों की जरूरत है आज भी लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं आज भी लोग परमेश्वर को खोजते हैं ये समय है वो समय आ चुका है उस खुद को जो खुदावन को हम ढूंढ रहे थे उस खुदावन को मिलने की जो अवसर हमें मिला है ये 20 नवंबर को वो समय आ चुका है इसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं आप सभी जो भी महाराष्ट्र से देख रहे जो भी भारत देश से देख रहे जिसको पॉसिबल है आप आए और परमेश्वर का परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव ले परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेगा उसके लिए मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूँ जि, जितने भी भाई बहन आज देख रहे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वींग मे लाइव इन दिस सेशन ऑल आर इन्वाइटेड कम एंड एक्सपीरियंस द लॉर्ड द लॉर्ड्स प्रेजेंस डू कम मैं एक बार फिर से एड्रेस दोहराता हूँ कालिदास ऑडिटोरियम मुलुंड वेस्ट मुंबई शाम को ठीक छः बजे से स्तुति आराधना और परमेश्वर का वचन ये शुरू होने वाला है इस इसको मिस ना करें क्योंकि आप अगर इसे मिस करेंगे तो आपने लाइफ में आप बहुत कुछ मिस करोगे बहुत से आशीष आप मिस करोगे उसके लिए मैं कहता हूँ जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है उसका लाभ ले और ये मुंबई प्रार्थना उत्सव में भाग ले फ्रेश द लॉर्ड